वॉट इज थ्रेड? ठीक है, थ्रेड इज ए लाइट वेट सब प्रोसेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, इट इज अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, थ्रेड जो होता है जनरली एक लाइट वेट सब प्रोसेस होता है, मीन्स ये प्रोसेस के अंदर का प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग, इट इज अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब जितने भी थ्रेड्स यहाँ पे होते हैं सबका पाथ अलग अलग होता है एग्जीक्यूशन का, मीन्स सभी थ्रेड जो होंगे वो इंडिविजुअल होते हैं, सब अलग अलग एग्जीक्यूशन करते हैं और अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, इफ देयर ऑकर्स एक्सेप्शन इन वन थ्रेड इट डज नॉट अफेक्ट अदर थ्रेड्स। ठीक है, अगर एक थ्रेड रन हो रहा है और उसमें कोई एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो दूसरे थ्रेड को कभी भी इफेक्ट नहीं करे। ठीक है, दूसरे थ्रेड का एग्जीक्यूशन रोक दिया या फिर उसमें कुछ इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि थ्रेड्स जो होते हैं वो सारे इंडिविजुअल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, हमेशा मल्टीपल प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस वन है, प्रोसेस टू है, प्रोसेस थ्री है। ठीक है, यहाँ पे D1, D2, D3, तीन थ्रेड है इसके अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एक प्रोसेस वन है, प्रोसेस वन के अंदर D1, D2 और D3, तीन हमारे पास यहाँ पे थ्रेड्स है। ठीक है, ये प्रोसेस वन में चल रहा है और तीनों थ्रेड्स इंडिविजुअल होंगे, अलग अलग होंगे, मीन्स इनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस टू है, इसके अंदर T1 और T2 दो थ्रेड है। ठीक है, दोनों थ्रेड, जो है वो अलग अलग एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, देन उसका प्रोसेस थ्री है, इसके अंदर एक ही थ्रेड है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड्स ही होंगे सबके अंदर, एक हो सकते, दो हो सकते, तीन हो सकते, जिस प्रकार का प्रोसेस होता है उस प्रकार का उसके अंदर थ्रेड्स ऑटोमेटिकली बनते हैं, थ्रेड्स को कोई बनाएगा नहीं। ठीक है, हम लोग वहां पे सिंगल थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग जनरली थ्रेड डिफाइन करते हैं और उसके अंदर के सब प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिफाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एज शोन इन द अबव फिगर, ए थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड इन साइड द प्रोसेस, देयर इज ए कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड्स, देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेसेस इन साइड द ओएस, देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेसेस इन साइड द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वन प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स, वन प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। एक प्रोसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स को देख पा रहे हैं। ठीक है, नोट है यहाँ पे, एट ए टाइम वन थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड ओनली। ठीक है, यहाँ बोल रहा है एट ए टाइम वन थ्रेड इज एग्जीक्यूटेड ओनली। ठीक है, अगर एक प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर अगर मान के चलो तीन थ्रेड है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम सिंगल थ्रेड ही एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वहां पे कंटेक्स्ट स्विचिंग की जाती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो T1 यहाँ पे प्रोसेस हुआ और वो बहुत कम अमाउंट ऑफ टाइम लिया, वो क्या करेगा, अपना मेमोरी फ्री करेगा और तुरंत किसको दे देगा, T2 को दे देगा, फिर T2 एग्जीक्यूट होगा, फिर ये तुरंत फ्री होगा, फिर T3 को दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से स्विचिंग की जाती है तीनों के बीच में। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है अच्छा खासा बड़ा। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग मेमोरी को फ्री करते हैं और दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करते हैं, दूसरे थ्रेड को एलोकेट करते हैं, इसी को बोला जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो जब कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है तो वहां पे जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, वहां पे टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो लगभग लगभग बहुत कम होता है और हम लोग को ऐसा लगता है कि वहां पे हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ठीक है, एक लुक एंड फील वहां पे आ जाता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मेमोरी यूज हो रही है, मेमोरी क्या यूज हो रही है, शेयर्ड मेमोरी यूज हो रही है। ठीक है, थ्रेड्स जो है शेयर्ड मेमोरी यूज करता है। ठीक है, सिंगल मेमोरी को वो शेयर करेगा, मीन्स एक प्रोसेस को जो मेमोरी एलोकेट करेगा, सेम मेमोरी जो है उसके अंदर के थ्रेड्स जो है सेम मेमोरी ही यूज करेंगे। ठीक है, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग
सिंगल प्रोसेस सिंगल मेमोरी, ठीक है, उसी सिंगल मेमोरी में उस प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स रन होंगे, ठीक है। अब उस थ्रेड्स को कब कब वो मेमोरी चाहिए, ठीक है, वो जब वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा उस समय ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट वहां पर लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से एग्जीक्यूट करता रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि जो थ्रेड्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग रन होते हैं और शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है, और किसी भी प्रोसेस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, किसी भी प्रोसेस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड, ठीक है, इसको थ्रेड स्टेट्स भी बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगे, अलग अलग स्टेट से थ्रेड जो है गुजरेगा और अपना टास्क परफॉर्म करते जाएगा, ठीक है। ए थ्रेड कैन बी वन ऑफ द फाइव स्टेट, ठीक है, ए थ्रेड कैन बी इन वन ऑफ द फाइव स्टेट, यहाँ पे फाइव स्टेट होते हैं और थ्रेड जो है इन पांचों स्टेट में से कोई ना कोई एक स्टेट में हमेशा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सन देर इज ओनली फोर स्टेट इन थ्रेड लाइफ साइकिल इन जावा, न्यू, रनेबल, नॉन रनेबल एंड टर्मिनेटेड, देर इज नो रनिंग स्टेट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रनिंग स्टेट नहीं था जब सन माइक्रोसिस्टम जावा को ओन किया हुआ था तब तक, ठीक है। लेकिन आज के डेट पे ओरेकल जो है जावा को ओन कर चुका है, तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक और रनिंग जो है रनिंग स्टेट भी जोड़ दिया, ठीक है, मतलब उसको रीडिफाइन किया, ठीक है। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द थ्रेड वी आर एक्सप्लेनिंग इन द फाइव स्टेट, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड इन जावा इज कंट्रोल्ड बाई JVM, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड कौन कंट्रोल करता है, JVM कंट्रोल करेगा। इसके अंदर फाइव स्टेट्स होते हैं, ठीक है, फाइव स्टेट्स होते हैं, मतलब थ्रेड जो है वो इन्हीं पांच स्टेट में से कोई ना कोई एक स्टेट में हमेशा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं न्यू, ठीक है, एकदम न्यू बॉर्न थ्रेड बना, ठीक है, रनेबल मीन्स वो रन करने के लिए तैयार, ठीक है, न्यू मीन्स एक नया थ्रेड बॉर्न हुआ, उसका जन्म हुआ, ठीक है। अब सेकंड है रनेबल, इसका मतलब क्या होगा कि जो थ्रेड है वो रन करने के लिए तैयार, ठीक है, मतलब चलने के लिए तैयार है। थर्ड रनिंग, ठीक है, इसका मतलब है कि थ्रेड उस समय रन कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेसर पे, ठीक है। फोर्थ है नॉन रनेबल मीन्स ब्लॉक्ड, ठीक है, इसका मतलब होगा कि वो कुछ देर के लिए ब्लॉक किया गया, मींस वो नॉन रनेबल स्टेट में है या फिर किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, ठीक है। अगर उसे कोई रिसोर्स चाहिए तो उसको कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। फिफ्थ होता है टर्मिनेटेड, ठीक है, फिफ्थ होता है टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड मीन्स पूरा एग्जीक्यूशन उस थ्रेड का कंप्लीट हो चुका है, अब वो थ्रेड जो है अपने रनिंग कंडीशन से टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव स्टेट्स अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, सबसे पहले न्यू होगा, ठीक है, फिर रनेबल पे आएगा, रनेबल से वो क्या आएगा, रनिंग पे आएगा, ठीक है। रनिंग के बाद वो या तो नॉन रनेबल या तो ब्लॉक किया जा सकता है। अब ब्लॉक में मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो नॉन रनेबल स्टेट होता है, ठीक है, नॉन रनेबल स्टेट में मतलब यहाँ पे स्लीप, ब्लॉक ऑन इनपुट आउटपुट, वेट, फॉर लॉक, सस्पेंड या वेट, ठीक है। देखो या तो स्लीप मोड पे है या तो वो इनपुट आउटपुट के द्वारा ब्लॉक किया गया है, मीन्स वहां पे कोई वेटिंग मोड पे है, कोई रिसोर्स लाइक जैसे कि कोई एक डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना है और प्रिंटर कहीं और दूसरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में बिजी है, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या करेगा, उसको वेट करेगा, वो अपना टाइम आने तक उसको वेट करेगा, तो उस समय वो नॉन रनेबल स्टेट पे हो, मीन्स वो प्रोसेस क्या है, वो
उस डिवाइस के लिए, उस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही वो प्रिंटर फ्री हो जाएगा, अपना टास्क परफॉर्म करना चालू कर देगा, ठीक है। तो वापस से किस में आ जाएगा, रनेबल में आ जाएगा, ठीक है, रनेबल में आएगा, ठीक है, और फिर रनिंग स्टेट पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। रनेबल मीन्स रन करने की तैयारी, मीन्स उसको रिसोर्स अवेलेबल हो गया। अब क्या करेगा, अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रन मेथड कॉल होता है, ठीक है, जिसे वो रन करते जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टर्मिनेटेड, ठीक है, रनिंग के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है, रनिंग स्टेट से ही टर्मिनेट होगा। यहाँ पे ऐसे नॉन रनेबल के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। हम लोग चाहे तो डायरेक्टली रनेबल से भी टर्मिनेट कर सकते हैं, या फिर रनिंग के बाद भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोर्सफुली करना होगा उसे, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी थ्रेड को जनरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले न्यू स्टेट पे होगा, देन उसके बाद रनेबल स्टेट में होगा, रनेबल के बाद रनिंग स्टेट में होगा, ठीक है। रनिंग स्टेट के बाद ही वो नॉन रनेबल में जा सकता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर कोई रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, या फिर उस समय उस टास्क की जरूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, या फिर उस कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कुछ टाइम के लिए वो वेटिंग मोड पे है, ठीक है, तो उस केस पे ही नॉन रनेबल में जाएगा, ठीक है। नॉन रनेबल के बाद क्या जाएगा, फिर से रनेबल में जाएगा। यहाँ पे रनेबल में मीन्स यहाँ स्लीप डन, इनपुट आउटपुट कंप्लीट, लॉक अवेलेबल, रेज्यूम, ठीक है, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, इस टाइप के कुछ एक मेथड होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे मेथड्स इसके, जब हम लोग थ्रेड क्लास बनाएंगे तब, ठीक है। रनेबल में जाएगा, फिर रनिंग पे आएगा, फिर उसके बाद यहाँ रन मेथड से वो रन होगा, देन उस पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइव टाइप के स्टेट्स है। जनरली यहाँ पे कंटिन्यूस जो होते हैं, फोर स्टेट होते हैं। बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या सस्पेंड करने की जरूरत पड़ती है, इनपुट आउटपुट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तभी ये नॉन रनेबल में जाता है, अदरवाइज वो सक्सेसफुली रन होता है और टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव स्टेट्स होते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेट आता है न्यू स्टेट। द थ्रेड इज इन न्यू स्टेट इफ यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्लास बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, ठीक है। न्यू स्टेट में कब होगा, जब हम लोग थ्रेड क्लास से, थ्रेड एक क्लास होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एक थ्रेड को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक थ्रेड क्लास से उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो न्यू स्टेट में होगा, ठीक है। अभी वो रन करना स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, ठीक है। सिंपल, हम लोग ने एक इंस्टेंस उसका क्रिएट किया, मीन्स थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, वो न्यू बॉर्न स्टेट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रनेबल, ठीक है। द थ्रेड इज इन रनेबल स्टेट आफ्टर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, ठीक है। स्टार्ट मेथड जैसे ही कॉल होगा, तब वो रनेबल स्टेट पे आ जाएगा, मीन्स वो, ठीक है। बट द थ्रेड शेड्यूलर हैज नॉट सिलेक्टेड इट टू बी रनिंग थ्रेड, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वहां पे जो शेड्यूलर होता है, ठीक है, जनरली थ्रेड शेड्यूलर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, वो पर्टिकुलर थ्रेड को सिलेक्ट करता है और रनिंग स्टेट पे लेके आता है, ठीक है। जनरली वो मान के चलो स्टार्ट हमने किया, वो ऑटोमेटिकली रनेबल से रनिंग में आ जाता है, ठीक है, बहुत कम समय में आ जाता है, क्योंकि जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होगी बहुत फास्ट होती है, ओके। देन आता है थर्ड रनिंग। द थ्रेड इज इन रनिंग स्टेट इफ द थ्रेड शेड्यूलर हैज सिलेक्टेड इट, ठीक है। रनिंग स्टेट पे कब आएगा, जब थ्रेड शेड्यूलर जो होगा उस थ्रेड को सिलेक्ट कर लेगा। फोर्थ आता है नॉन रनेबल और ब्लॉक स्टेट। दिस इज द स्टेट व्हेन थ्रेड इज स्टिल अलाइव, थ्रेड अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है, अभी भी जिंदा है, ठीक है, बट इज करंटली नॉट एलिजिबल टू रन, ठीक है, वो अभी एलिजिबल नहीं है रन करने के लिए, ठीक है, अभी भी वो टर्मिनेट नहीं हुआ है, वो अभी भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो या तो वेटिंग मोड पे है, या तो स्लीप मोड पे है, ठीक है, या फिर कोई रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, या फिर कोई इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, तभी वो नॉन रनेबल स्टेट में, ठीक है, मीन्स वो एलिजिबल नहीं है
कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। फिफ्थ आता है टर्मिनेटेड, ठीक है, ए थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड एग्जिस्ट। जैसे ही मान के चलो हमने ए थ्रेड मेथड इज टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट रन्स मेथड एग्जिस्ट, ठीक है, रन मेथड को जब भी हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है, वो रन तो कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन रन मेथड के जस्ट बाद हम लोग को एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा स्टॉप, ठीक है, तो स्टॉप मेथड क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। स्टॉप मेथड क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव टाइप के स्टेट्स होते हैं, न्यू, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल और टर्मिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव टाइप के स्टेट्स होते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड।